अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम जी क्लास 5 की जो सोशल स्टडी का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे, हम आज इसका पार्ट 2 है। इस चैप्टर को आज हम कंप्लीट करेंगे। आज छोटी वीडियो होगी क्योंकि इसमें इतने मैंने नहीं छोड़ा था टॉपिक्स के, वीडियो लंबी हो क्योंकि पार्ट 1 में हमने अच्छे खासे टॉपिक्स कवर कर लिए थे। आज एट द एंड इसमें जो है मैं एमसीक्यूज भी सॉल्व करूँगी जो इस बुक में मौजूद हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, और मतलब ये चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, तो सबसे पहले जी अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। तो टॉपिक है अभी फाइंडिंग द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ प्लेस ऑन मैप यूजिंग लाइन ऑफ लेटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो लेटिट्यूड जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, लॉन्गिट्यूड जो वर्टिकल लाइन्स हैं, ठीक है, और लेटिट्यूड जो है वो मतलब इमेजिनरी लाइंस होती है, दोनों लेटिट्यूड हो या लॉन्गिट्यूड हो। तो अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी पहले वो देख लें, उसके बाद आप इसको कंटिन्यू करें। प्लेलिस्ट मैंने बना ली है, मैं हर क्लास की जो अलग बनाती हूँ तो आप वहाँ पर जाकर आपको ये वीडियो मिल जाएगी। ठीक, इसमें एक्चुअली बता रहे हैं एक्टिविटी है कि किस तरीके से आप किसी भी जगह की या प्लेस की आप एटलास में जो है एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हैं। अब लव्स है यहाँ पे एटलास, एटलास का मतलब क्या होता है ये आपको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दूँ। ये वाला एटलास, एटलास का मतलब है अ बुक ऑफ मैप और चार्ट, उसको हम एटलास बोलते हैं। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि आपने किस तरीके से उस एक्चुअली पर्टिकुलर उसकी जो है लोकेशन बता सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको नहीं, एक्टिविटी ये नहीं करवा रही कि आप कैसे मालूम कर सकते, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट बातें हैं कि हमें एग्जिट लोकेशन पता होनी चाहिए पाकिस्तान की, ये बहुत ज़रूरी है। और ये डिफरेंट टेस्ट में ऐसा क्वेश्चन आया भी था, एक में एक टेस्ट मैंने भी दिया था तो उसमें ऐसा क्वेश्चन आया भी था। तो अब मैं बताती हूँ वो कैसे हैं। ठीक है, अब कह रहे हैं कि हमने जो है सीखा है, जो मैंने नहीं सिखाया कि एग्जैक्ट लोकेशन कैसे मालूम की जाती है, टू यूज़ लेटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो एग्जैक्ट लोकेशन किसी भी कंट्री की आइडेंटिफाई करने के लिए ज़रूरी है कि हम कुछ नीचे जो मतलब पॉइंट्स हम उसको देख लें। ठीक है, तो एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ पाकिस्तान फिगर 1.10, फाइंड द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ पाकिस्तान एंड रीड द लेटिट्यूड, इट इज़ 36.75 डिग्री नॉर्थ की तरफ। साउथर्न में ये है, ईस्टर्न में ये है और वेस्टर्न में ये है। ठीक है, इसको अगर हम करें तो इन सब को हम कह सकते हैं, ये वाली बात आपने याद रखनी है, इसको आप रट्टा लगा लो, लिख लो, ये इम्पॉर्टेंट है चीज़। वी कैन से दैट द पाकिस्तान इज सिचुएटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, याद रख लिया पॉइंट कि पाकिस्तान कहाँ सिचुएटेड है, पाकिस्तान सिचुएटेड है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। दूसरा, बिटवीन किन दो डिग्रीज के बीच में, 23.45 एंड 36.75। नॉर्दर्न में क्या है, 23.45 एंड 36.75 नॉर्दर्न में जब बात हो रही है, और जब हम ईस्ट की तरफ आ रहे हैं तो वो होगा 61 एंड 75.5 ईस्ट। ये याद रख लें, 23.45 एंड 36.75 दोनों में 5 5, ऑलमोस्ट सब में 5, ये सिर्फ 61 के अलावा, 61 और 75.5। ठीक है, अब इम्पोर्टेंस ऑफ लोकेशन, पाकिस्तान लोकेशन, अब जो पाकिस्तान की लोकेशन है ना उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। जैसे हमने देखा कि जो पाकिस्तान है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, बिटवीन द लेटिट्यूड ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस कहाँ से आ गया, 25 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड 37 नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। सिंस दिस रीजन एक्सपीरियंस ऑल 4 सीजन, आपने देखा होगा कि पाकिस्तान ब्लेस्ड है इस हिसाब से कि उसकी लोकेशन ऐसी है कि यहाँ पे चारों मौसम्स मौजूद हैं, और चारों मौसम्स मौजूद होने की वजह से यहाँ पे वैरायटी ऑफ क्रॉप्स जो हैं वो मौजूद हैं, और लाइफ स्टॉक मतलब ये जो मुर्गियाँ मुर्गियाँ और ये बकरियाँ वकरियाँ ये सब यहाँ पे अच्छे से पल सकती हैं। तो फर्दर अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो हमने पहले भी पढ़ा था पिछली वीडियो में कि पाकिस्तान कौन से कॉन्टिनेंट में है। पाकिस्तान इज़ लोकेटेड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया, और ये जो रीजन है इसको साउथ एशिया कहा जाता है, एशिया के साउथ में मौजूद है।
और इस हिसाब से कि पाकिस्तान साउथ एशिया में है, तो इसको ये भी एक मेंबर है इसका, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इसमें, ठीक है, मतलब सार्क जिसको बोलते हैं, सार्क का फुल फॉर्म क्या है, साउथर्न साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। और इसमें जो ये फ्रेंडली रिलेशनशिप होता है हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री ऑफ चाइना एंड नॉर्थ, और कुछ और कंट्रीज भी इसमें मौजूद हैं, और पाकिस्तान में जो अरबियन सी मौजूद है जो साउथ ऑफ पाकिस्तान में है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द इंटरनेशनल ट्रेड में, क्योंकि ज़्यादातर अब तो सीपेक भी कनेक्ट हो रहा है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें ना, तो पाकिस्तान रियली रियली ब्लेस्ड के उसकी जो लोकेशन है वो बहुत अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त लोकेशन है। आगे बात करें तो स्केल होता है जिसके थ्रू मैप को ड्रॉ किया जाता है, उनकी साइज़ वगैरह ख्याल रखा जाता है कि किस तरीके से जो इसकी लाइंस वगैरह कैसे बनाएं, किस तरीके से एक्सप्रेस करें। तो यहाँ पे कह रहे हैं द स्केल ऑफ मैप कैन बी एक्सप्रेस इन थ्री वेज, जो स्केल है मैप का उसको तीन तरीक़ों से आप एक्सप्रेस कर सकते हो, एज अ स्टेटमेंट, अ लाइन या रेशो। ठीक है, स्टेटमेंट स्केल क्या होता है, ये स्केल होता है जो डिस्क्राइब करता है इन वर्ड्स एंड नंबर, जैसे अगर 1 सेंटीमीटर ऑफ ऑन द मैप रिप्रेजेंट 10 किलोमीटर, जो हम फिजिक्स में भी हम पढ़ते हैं आई थिंक वेक्टर्स का कुछ होता है, तो उसमें हम इस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी है कि 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप इज इक्वल टू 10 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड। और लाइन स्केल में क्या है, इसमें सेवरल सेंटीमीटर्स जो डिवाइड होते हैं इक्वल पार्ट्स, जिसे इस फिगर में ये बता रहे हैं। और रेशियो इन दिस टाइप ऑफ स्केल नो यूनिट ऑफ डिस्टेंस मेंशन, किसी किस्म का डिस्टेंस में यूनिट जो है डिस्टेंस का मेंशन नहीं होता, और जो ये रेशियो होता है वो स्टेब्लिश किया जाता है ताकि जितने भी डिस्टेंस के यूनिट्स हैं वो पुट कर सकें। ठीक है, और अब हम आगे और आएँ तो इसमें जो और इम्पॉर्टेंट बात है, इसको मैं इतना नहीं चाहिए, ये बहुत ज़्यादा डीप है, ये बहुत ज़्यादा डीप बातें हो रही हैं जिसको मैंने कर, इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात है ना वो ये याद रखें, ये द वर्ल्ड टाइम जोन आर बेस्ड ऑन फैक्ट दैट अर्थ मूव थ्रू 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड ईच आवर, मतलब हर घंटे में वो 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड, मतलब लॉन्गिट्यूड मतलब वर्टिकली वो मूव करती है। तो इस हिसाब से तो 24 स्टैंडर्ड टाइम जोन्स मौजूद हैं, और फिर 24 को आप मल्टीप्लाई करोगे 15 के साथ, तो आपको पास 360 डिग्री आ जाएगा। बस ये याद रख लिया आपने ये बात। अब आगे आते हैं तो मैप की बात हो रही है कि कितने किस्म के मैप मौजूद हैं। तीन किस्म के मैप जो यहाँ पे हैं, एक है फिज़िकल मैप, एक है पॉलिटिकल मैप, और तीसरा है रिलीफ मैप। मैप तो पॉलिटिकल मैप क्या होता है इसमें, ये सॉरी फिज़िकल मैप क्या है, इसमें कलर्स यूज़ किए जाते हैं, और इसमें जो है माउंटेन्स, हिल्स, रिवर्स, सीज, ये सारे मेंशन किए जाते हैं। पॉलिटिकल मैप क्या होता है, ये पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव मैप भी इसको बोला जाता है। पॉलिटिकल मैप में बॉर्डर्स वगैरह भी शो किए जाते हैं बिटवीन दी कंट्रीज़। और रिलीफ मैप में जो है हाइट ऑफ हिल बताई जाती है, माउंटेन की हाइट बताई जाती है, डेप्थ ऑफ सी बताई जाती है, ओशियन, और डिफरेंट शेड्स ऑफ कलर्स भी उसमें यूज़ किए जाते हैं। ठीक है जी, तो इस हिसाब से ये कंप्लीट हुआ, थोड़ा सा समरी को आप पढ़ लीजिएगा। अब हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन है कि द इमेजिनरी लाइन दे रन इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ऑन अ मैप आर कॉल्ड, नॉर्थ साउथ मतलब वर्टिकल लाइन, सो इसको हम क्या बोलते हैं, इन वर्टिकल लाइन को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड। तो ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट। द लेटिट्यूड एट 23.5 साउथ इज कॉल्ड, 23.5 साउथ का कह रहे हैं, नॉर्थ का नहीं साउथ का। तो इसमें जो है ऑप्शन सी इज द करेक्ट, मीन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। क्वेश्चन थ्री देखें, इन हाउ मेनी टाइम जोन हैज द वर्ल्ड बीन डिवाइडेड, तो अभी अभी हमने पढ़ा 24। क्वेश्चन फोर्थ देखें, द मैप दैट शो अस द बॉर्डर बिटवीन कंट्रीज आर सिंपल है, दैट इज कॉल्ड द पोलिटिकल मैप। और फोर्थ देखें, वाट मैप वुड शो अस माउंटेन एंड रिवर्स, तो जो माउंटेन एंड रिवर्स वगैरह के बारे में बताते हैं इनको हम फिजिकल मैप बोलते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है लाइक करें, कमेंट करें, दूसरे साथ ज़रूर शेयर करें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अब हाज़िर होंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।